रास्ता जो है फुल फ्लेज, यहाँ से गाड़ियाँ जाती रही हैं, और अभी वो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना कितना, यानी कि 5-5, 6-6 फुट पानी यहाँ भर चुका है। NDRF की टीम भी यहाँ पे मौजूद है अपने बोट्स के साथ और कोशिश कर रही है कि वहाँ पे अगर कोई भी फंसा हुआ है उनको निकाला जाए। ये जो आप एक देख रहे हैं टेंट टाइप का ये जो लगा गेट बना हुआ है, इसके सीधा जाके राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी सारी जो है गौशालाएं भी हैं वहाँ पे, और साथ ही जो उसके उस तरफ जो यमुना के जो बेल्ट पे जितने भी लोग रहते थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उनको यहाँ पे एक शेल्टर बनाया गया था इस तरफ, लेकिन आज वो शेल्टर पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। ये मेन रोड है इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये रिंग रोड ही है। रिंग रोड से ये रास्ता अंदर जाता है और ये निगम बोध घाट के बैक साइड का हिस्सा है और ये पूरा का पूरा भर चुका है। सामने ये संत परमानंद हॉस्पिटल भी है, ये हॉस्पिटल भी बंद हो चुका है, इसमें भी पानी भर चुका है। और जो हमारी बातचीत हुई है, जानकारी मिली है कि यहाँ से कल रात को ही सारे जो जो लोग थे और जितने भी ऐसे मरीज थे जो कि यहाँ पे होंगे उनको वहाँ से निकाल दिया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कितने ये गायें जो हैं उनको वहाँ से लेके, मैंने जैसे बताया कि इधर गौशाला है और उस गौशाला में पानी भर चुका है और अब वहाँ से लोग अपने गायों को इधर बाहर लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गर्दन तक जो है पानी है और कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी इस बाढ़ या इस पानी के चलते जो है हताहत ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भरे पानी में किस तरीके से गाय को खींच खींच के लाया जा रहा है। काफ़ी बहुत बड़े यहाँ पे गौशाला इस तरफ है जहाँ पे कि काफ़ी संख्या में जो है गाय यहाँ पे पाली जाती है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। ये रोड जो है पूरी तरीके से भर चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ये जो पानी है ये पानी इधर रोड पे ना आए। इसी वजह से ये रेत से भरी हुई बोरियां यहाँ पे रख दी गई है, यहाँ पे लगा दी गई है, रेत से बोरी जो है वो भर दी गई है ताकि पानी उधर से ना आए। और यहाँ पे एक लाइफ बोट भी जो है यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू बोट, जो कि अब धीरे धीरे वहाँ से जितने भी लोग अंदर फंसे थे उनको लेके यहाँ कॉर्नर पे छोड़ रही थी और लगातार जो है ये रेत और रेत से भरी, ये पता लगा पाए कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और खासतौर पर गाय जो के हैं कितनी रेस्क्यू की गई है वहां से गौशाला से, अगर आप बातचीत कर पाए तो। देखिए अभी फिलहाल रेस्क्यू जो करके ला रहे हैं, अभी वहां से कोई ऐसा शख्स यहां पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी प्राथमिकता है कि पहले अपने जानवरों को वहां से निकाला जा सके। अब तस्वीरें देख सकते हैं अपने आप ही बयां कर रहा है कि किस हद तक आगे हालात है, क्योंकि ये तो कॉर्नर पे है, यानी कि ये रिंग रोड के कॉर्नर में है और ये लोग किस तरीके से यहाँ से इनको रेस्क्यू करते हुए लेके आ रहे हैं। हम लोग अभी कोशिश करेंगे बात करने की कि कैसे इस रेस्क्यू को। सर एक बार बताइए, ये पीछे गौशाला आप ही लोगों की गौशाला है ना? हाँ, तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने अभी तक आप लोगों ने अंदर ऑलरेडी है अभी ऑलरेडी और ये कब से पानी भरना शुरू हुआ था, कितने आप लोग निकाल चुके हो? हम रात 10 बजे से निकाल रहे हैं, सुबह 5 बजे से पानी भरना होता। प्लीज एक होल्ड मत करो, मैं कोई तो देखिए अभी भी 20 के आसपास गाय अभी भी अंदर है गौशाला में और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से निकाला जा सके। प्राथमिकता यही है, प्रायोरिटी यही है कि कोई भी ऐसा जो है जीव जंतु या इंसान पानी की वजह से किसी का हताहत ना हो। और यहाँ पे एक एक करके जो है अभी भी 20 गायें जो है अभी अंदर मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा गौशाला है इस तरफ जहाँ पे लोग यहाँ पे गायों को चारा खिलाने भी आते हैं रिचुअल के हिसाब से भी, तो अब धीरे धीरे करके जो है उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। जो यहाँ जो गौशाला जो चलाते हैं उन्हीं के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 20 गायें अभी भी और है और जैसे ही पानी भरना शुरू किया था तो उसको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया गया था और अभी फिलहाल यहाँ से काफ़ी संख्या में धीरे धीरे जो है गायों को निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पानी जो है और आगे ना आए, रोड तक ना आए। इसीलिए ये कॉर्नर में एक पूरी लाइन जो है वो बना दी गई है रेत से भरकर यहाँ पे। और अब देख रहे हैं क्या पानी कल से ज्यादा हुआ है, जल्दी से जवाब दे दे फिर मैं जावेद का रुख करूंगी। कल से ज्यादा पानी दिख रहा है आपको? लोग यहाँ से गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ गए थे गाड़ी लेकर, कल यहाँ पानी था ही नहीं और आज सुबह 5 बजे के बाद पानी भरना शुरू हुआ है